हे गाइस, वेलकम टू सरूज किचन। आज मैं अगेन एक बहुत ही इजी और यम्मी रेसिपी लेके आई हूँ। ये हैं चॉकलेट ट्रफल बॉल्स। ये खाने में बहुत सॉफ्ट और जूसी होते हैं और ये मिठाई का एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश क्रीम। मैंने यहाँ 120 ग्राम क्रीम को मेज़र करके लिया है। इसको हमें सिम गैस पे 2-3 मिनट के लिए गर्म करना है। इसके लिए फ्रेश क्रीम या हैवी क्रीम ही चाहिए, विप क्रीम नहीं चलेगी। या घर की मलाई कुछ लोग पूछते हैं, वो नहीं चलेगी, वो टोटली डिफरेंट चीज़ है। ये मैंने डार्क चॉकलेट, डार्क कंपाउंड को छोटा छोटा कट करके लिया है। सारा मेज़रमेंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही क्रीम में बबल्स आने लगें, उसको हम चॉकलेट के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। हमें क्रीम को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब हम इसको एक क्लिंग रैप से कवर करके 3-4 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से छोड़ने से इसका चॉकलेट का कोकोआ कंटेंट और क्रीम आपस में अच्छी तरह से मर्ज हो जाते हैं। तो ये 4 मिनट्स हो गए हैं। अभी क्लिंग रैप को हटा के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको मिक्स करना है। अब हम इसमें 1 स्पून सॉल्टेड बटर डालेंगे। सॉल्टेड बटर से इसका टेस्ट और एनहांस हो जाता है। और इसको मिक्स करते हुए अगर आपको लगे कि इसमें अभी लम्स हैं, तो आप इसको डबल बॉयलर से या फिर माइक्रोवेव में 10-20 सेकेंड्स और रख सकते हैं। ध्यान रहे, इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब इसको हम दोबारा से क्लिंग शीट से अच्छी तरह से कवर करके 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है। तो ये हमारे 4 घंटे हो चुके हैं। ये मैं स्पून से आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से थिक हो जाता है 3-4 घंटे रखने के बाद। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स को हमें एल्युमिनियम फॉयल या बटर पेपर लगी हुई ट्रे में ही रखना है। ये ट्रफल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये हाथों की गर्मी से भी मेल्ट होता है, तो हमें इसको ज़्यादा राउंड शेप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको एक बार और शेप देंगे। तो इस तरह से हम सारी बॉल्स रेडी कर लेंगे। सारी बॉल्स रेडी करके हम इसको 7-8 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। ये 8 मिनट हो गए हैं, हमारी बॉल्स ठंडी हो गई हैं। अब हम इसको दोबारा से राउंड, एकदम से राउंड शेप दे के, ये चॉकलेट वर्मिसिली हैं, इसमें कोट कर देंगे। ये बहुत सुंदर दिखता है और खाने में यम्मी तो है ही। इसी तरह से 4-5 बॉल्स को मैं वर्मिसिली में कर रही हूँ। आगे मैं 2 ऑप्शंस और दिखाऊंगी कि आप क्या क्या आपको ऑप्शंस मिल सकती हैं इसके लिए। ये है कोकोआ पाउडर, ये आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पे मिल जाएगा। इसमें भी ट्रफल बॉल्स को कोट कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत दिखता है और यम्मी भी लगता है। और ये तीसरी ऑप्शन है स्प्रिंकल्स। ये मार्केट में बहुत सारी शेप्स और कलर्स में अवेलेबल हैं। इनमें भी आप बॉल्स को कवर कर सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर और यम्मी लगता है। एक चीज़ मैं पीछे बताना भूल गई थी कि बॉल्स को बनाने से पहले अगर आप हाथों पे थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं, तो बॉल्स बनाना ईजी हो जाता है। तो ये रेडी है हमारी चॉकलेट ट्रफल बॉल्स। चॉकलेट मटेरियल वाली शॉप पे ही आपको इनको पैक करने के लिए बॉक्सेस मिल जाते हैं, जो आप जिनमें पैक करके इसको गिफ्ट कर सकते हैं या सेल भी कर सकते हैं। तो बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और स्पेशल रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।